और क्या नाम है उसी पे हम लोग का पूरा बार टिका रहता है, पूरी बॉडी का बैलेंस उसी पे टिका रहता है। 360 डिग्री में होती है, इसीलिए ये लोग हर तरफ से मतलब एक दूसरे से बाउंड किए रहती है, इसीलिए पूरा ये रिम पूरी काम करती है, वरना इतनी पतली तीलिया तो मेरे ख्याल से नहीं पाएगी। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, अपनी वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और आज हम लोग वीडियो में ये करेंगे कि इसकी एक एक करके इसकी स्पोक सारी काटेंगे, तो इसको निकालते हैं बाहर और शुरू करते हैं। तो गाइस पहले हम लोग इसकी चार स्पोक्स निकालेंगे 90 डिग्री के एंगल पे बराबर से, यहाँ 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 और यहाँ इसकी निकालेंगे, और उसके आप लोग को चला के दिखाएंगे कि कैसे ये क्या टायर वर्क करता है या नहीं करता है। तो गाइस पहली ये स्पोक कट चुकी है, एक पहली कटी है, अब चलिए और सब काट के देखते हैं। तो गाइस मैंने इसमें चारों तीली काट दी, अब चलिए साइकिल को चला के देखते हैं। पहले इसको चला के देखते हैं, काफ़ी समय बाद मैं साइकिल चलाने जा रहा हूँ। ये अब इसको निकालते हैं, पहले अभी तो एकदम नॉर्मल ही वर्क है, मुझे लग रहा है एकदम नॉर्मल वर्क है, कोई फर्क नहीं पड़ा एकदम। देखिए नॉर्मल अभी वर्क कर रही है, अभी तो इसका टायर भी वॉबल नहीं कर रहा है, कर रहा होगा थोड़ा बहुत में पता ही नहीं चल रहा होगा। तो ऐसा करते हैं एक और राइस में और काट के पहले देखते हैं, चार तीलियाँ और काट के देखते हैं। और एक और राइस देखिए, हम लोग पूरी आठ तीलियाँ काट दी, और अभी से देखिए टायर कितना खाली खाली से लग रहा है। तो अब चलिए इसको फिर से चला के देखते हैं क्या होता है। तो अब चला के देखते हैं कि अभी भी काम करती है या नहीं। अरे यार अभी भी कर रही है काम, आठ तीली हट जाने का देखिए सही से अभी भी वॉबल नहीं कर रही है, हल्का हल्का सा वॉबल कर रही है, हल्का हल्का पीछा नीचा जा रही है, अभी भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो अब इसको क्या करते हैं, हम फिर से आठ मतलब 12 तीली हटा के देखते हैं कि ये वर्क करती है कि नहीं। तो गाइस देखिए हम लोग ने 12 तीली अब की बार काट दी, तो अब ये देखिए टायर एकदम खाली खाली सा हो गया है। तो अब देखते हैं और भी तीली हटा कर कि और तीली काटाना मतलब इसको चला के देखते हैं कि सही से काम करती है कि नहीं। अब देखते हैं काम करती है यार, ये तो काम कर ही जा रही, जब जरूरत ही नहीं थी तीलियों की तो इतनी ढेर सारी क्यों लगा दिए, इतनी कम में भी जब काम कर सकती है, एकदम बढ़िया काम कर रही है, बस थोड़ा सा इधर उधर वॉबल हो रहा है टायर। 12 तीली हटाने के बाद गाइस चल पा रही है, तो एक बार इसको फिर से हटाते हैं, चार तीलियाँ और हटाते हैं, फिर 16 तीली हो जाएगी। तो गाइस यार हमने इसमें से 20 तीली निकाल दी, लेकिन ये तो साला इसको कुछ हो ही नहीं रहा है, ये चली जा रही है चली जा रही है। हमने बीच में भी एक बार 16 पे भी ट्राई किया तो भी ये चल रही थी, 20 पे भी ट्राई किया तो भी ये चल रही। तो ऐसा करते हैं चार और निकालते हैं, तब देखते हैं इनका क्या होता है। गाइस यार हमने इसमें से 24 तीलियाँ निकाल दी हैं, और अभी ये देखिए पूरा टायर एकदम खाली होने पे, और जो बची हुई तीलियाँ वो सब पहले से कटी हैं, बस वो निकल नहीं रही हैं, मैंने बहुत कोशिश की। तो अब इसको चला के देखते हैं कि यार चलती है या नहीं। गाइस यार ये चली साइकिल यार, अभी भी ये सही चल रही है, कतई बेशरम साइकिल हो रही है, उठा उठा के देखते हैं। अरे यार आज झटका खा जाता है, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो यार और काटती है, देखते हैं इनको क्या कर रही है यार। हमने अब जाकर इसमें से 25 तीलियाँ निकाल दी, अभी भी 11 बची, अब देखते हैं इन 11 तीलियों पे साइकिल चलती है या नहीं। तो गाइस यार अब ये तो अभी से इधर उधर भाग रही, अरे ये इसके टायर पूरा इधर उधर भाग रहा है, अब कितना भी कुछ लेकिन चल रही है, अभी भी ये चल पा रही है, भले इसका टायर पूरा ना चला रही इसका टायर, लेकिन पूरा देखिए कभी इधर जा रहा है, मैं तो ये देखिए कभी इधर चला जा रहा है, पर अभी भी ये चल रही है पूरी। तो और तीलियाँ काट के इसमें देखना ही पड़ेगा। गाइस अब जो 7 तीलियाँ बची, अब इसको चला के देखते हैं क्या होता है, चलती ये है या नहीं। अब मुझे खुद ही नहीं लग रहा ये भी बहुत, तो अभी तो पूरा ये देखिए किस तरह टायर इधर उधर भाग, अब देखिए पूरी तीलियाँ खाली है, बस 3 तीलियाँ बची, अब इसको चला के देखते हैं। कुछ नहीं होगा इसका, तो गाइस ये तो देखिए जा चुकी। तो गाइस इसको ऐसे भले चलाया जा सकता और कोई तरीका नहीं, पूरा खाली हो रखा है। तो हम लोग की इसी तरह और भी मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए हम लोग के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक जय हिंद, गुड बाय, टाटा।